जय दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एक बहुत दिनों बाद एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं आप सभी बच्चों से। आप अगर बीएड फर्स्ट ईयर के हो या फिर बीएड सेकेंड ईयर के हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे आपसे आके बात करते हुए, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे बात कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खास रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, जरा अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा, या फिर फर्स्ट ईयर के बाद से सेकेंड ईयर के क्लासेस कब शुरू होंगे, या जिन बच्चों का सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है उनके लिए आगे क्या टास्क हो सकता है, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, मैं अपने सूझबूझ से आपसे कुछ राय मशवरा सलाह सुझाव शेयर किया जाएगा एक दूसरे से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा। बड़े मुबारक के बाद के साथ कि जिन बच्चों का बीएड सेकेंड ईयर में रिजल्ट आ चुका है, कांग्रेचुलेशन, अब आप आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, आप आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के अगर हम रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में अभी तक जैसे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए, ठीक है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम एक हफ्ते का टाइम और लग जाए, मैक्सिमम उससे पहले भी आ सकता है। तो जैसे इन बच्चों का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, एक से दो दिन में अगर इनका कंप्लीट होता, तो मान लीजिए एक हफ्ते के अंदर अगर हम अप्रोक्स बात करें तो इस महीने के एंड तक आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट ईयर के एग्जाम में देरी होने का एक और कारण यह है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फिर आपका रिजल्ट आके सेकेंड ईयर में प्रमोट होगा, तो सेकेंड ईयर की पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं, सेकेंड ईयर क्लासेस आपके कॉलेज वाले स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर सेकेंड ईयर में पढ़ना है, ना कोई ऐसे जॉब का प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बेस पे तो कहीं जॉब मिलना नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। वैसे सेकेंड ईयर का रिजल्ट इस बार बहुत ही जल्दी आ गया था वाइस चांसलर के सही नेतृत्व के कारण, तो हम आशा कर सकते हैं कि इस महीने की एंड में आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट सबका अच्छा ही आएगा, परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे, निराश नहीं होंगे, मुझे इतना विश्वास है। अगर आपने सही से कॉपी लिखा है जिस तरीके से आपको बताया गया था, तो रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाई होंगे। रिजल्ट आने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपका व्यक्तिगत रिजल्ट खराब नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे कि वो मुझसे कम पढ़ता था या मुझसे कम पढ़ती थी, वो मुझसे कम जानता है या वो मुझसे कम जानती है, तब आप जरूर निराश होंगे, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि वो बच्चा जो आपसे कम पढ़ता या जानता है उसके भी रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उसने लिखा बेहतर होगा या फिर उसकी उस तरह एग्जामिनर का जो भी समझ लीजिए, तो ये मुमकिन है। इसीलिए हमें किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, मैं आपको रिजल्ट से पहले ही बता रहा हूं इसलिए, क्योंकि जब आप रिजल्ट देखेंगे ना तो ये चीजें जरूर आपके दिमाग में आएंगी, तो हमें निराश नहीं होना है। आपका व्यक्तिगत नंबर इतना होगा, आपका पर्सनल नंबर इतना होगा कि आप उससे सेटिस्फाई होंगे कि चलो भाई मेरा नंबर खराब नहीं है, तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो और बहुत जल्द इस महीने के लास्ट तक हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई रिजल्ट की। और बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हैं आप लोग? के एग्जाम्स के रिजल्ट भी आ गए, अब उनको आगे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले बात की कांग्रेचुलेशन जिन लोगों ने किसी अगले कोर्स में एडमिशन ले लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने एम ए एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, जिन्होंने एम एड में एडमिशन ले लिया, जिन्होंने एमएससी में एडमिशन ले लिया। देखिए, बीएड के जितने भी अभी सेकेंड ईयर के बच्चों का रिजल्ट आया है, या तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या आपने मास्टर कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, अगर आपका मास्टर कंप्लीट नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी एक कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, चाहे एमएससी हो चाहे एमए एजुकेशन, आप इसमें अपने आप को जरूर इन्वॉल्व करिए। और जिन बच्चों का मास्टर ऑलरेडी हो चुका है पीजी, एमए एमएससी या फिर जो भी उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं उनसे कहूंगा कि नेट और जेआरएफ की तैयारी जरूर करिए। देखिए, खुद को एक स्टूडेंट बना के रखिए, खुद को आप एजुकेशन से जुड़े हुए रखिए, और खास रिक्वेस्ट यूं समझ लीजिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यूं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, 15 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको डेली कम से कम 1 घंटा किसी बच्चे को पढ़ाना है। आपका छोटा भाई, भतीजा, आस पड़ोस का कोई भी हो, आपको 1 घंटा उसको पढ़ाना है। तो जिन बच्चों ने बीएड सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रखा है, आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल में टीचिंग करते हैं, राइट, जो स्कूल में टीचिंग करते हैं, वेल एंड गुड, वो खुद को एजुकेशन से जोड़े हुए हैं, वो खुद को बिजी रख रहे हैं। बाकी जिन जो बच्चे स्कूल में अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बीएड कर लिया तो इतना तो नॉलेज है कि बच्चे उसे डील कैसे करना है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो किसी भी दो बच्चे को, किसी भी एक बच्चे को, चाहे वो आपके आपके खुद के घर के बच्चे हों या फिर आसपास के, क्योंकि हम जिस माहौल से आता है, टचवुड, हमारा माहौल इतना अच्छा होता है कि हमारा आस पड़ोस ही हमारा एक पूरा परिवार होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आस पड़ोस के बच्चे हैं वो भी हमें रेस्पेक्ट करते हैं, एक भैया एक दीदी की तरह, तो हम उनको भी लेके अगर पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे तो उन्हें भी खुशी होगी, उनके परिवार वालों को खुशी होगी, और साथ साथ हमें तो खुशी होगी और हमारा इंप्रूवमेंट तो होगा ही।
तो किसी भी एक दो या तीन बच्चे को आप अपने साथ बैठाएंगे, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन आप कंटिन्यूस ऐसा करिए कि उनको बस ये देखिए कि आज तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया और आज तुम्हारे स्कूल से क्या होमवर्क मिला। बस इतना गाइडिंग कर देंगे ना, आप देखेंगे उस बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगा और आपके खुद की तसल्ली इतनी बेहतर हो जाएगी, खुद के मन भी इतनी शांति मिलेगी कि लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया। और ये 15 दिन आप करिए, 15 दिन को बढ़ाइए, एक महीना करिए। अगर आप इस काम को 45 डेज कर देते हैं, 60 डेज मतलब लगभग डेढ़ से दो महीना कर देते हैं ना, आप पाएंगे आप एक बहुत अच्छे शिक्षक है, बहुत अच्छे शिक्षिका है, यू विल बी अ वेरी बेस्ट टीचर। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, आप किसी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, नॉट फॉर द मनी, पैसे के लिए नहीं आपको ज्वाइन करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद को बिजी रखेंगे, आप अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट रखेंगे, आप अपने आप को हमेशा एक यंग रखेंगे अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे बीएड कंप्लीट कर चुके हैं वो सबसे पहले बात, अगर कहीं एडमिशन या कोर्स में अवेलेबल है, सीट है, अगर आपकी मर्जी है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलता है तो आप ले लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये काम तो जरूर करिए, किसी एक दो या तीन बच्चे को, और भी ज्यादा हो सके अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपकी जितनी क्षमता हो, जितना समय दे सकते, इन बच्चों को अपने साथ कम से कम डेली 1 घंटा बैठाना है और ये चेक करना है कि आज क्या स्कूल में पढ़ाया गया और आज क्या होमवर्क मिला। अगर आप उन्हें कुछ समझा सकते हैं तो समझाइए, होमवर्क कराने में हेल्प कराइए। वैसे भी मुझे लगता है कि अभी आजकल स्कूल में एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, 1 घंटा डेली आप इन बच्चों को दीजिए, 15 दिन दीजिए, कंफर्टेबल होते हैं, फिर आप 1 महीना दीजिए, 45 डेज के बाद अपने आपको एक बेहतर शिक्षक और शिक्षिका के रूप में पाएंगे, फिर आप किसी स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे पढ़ा सकते हैं, एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको और आपका डेली रूटीन भी मेंटेन हो जाएगा। करेक्ट, तो मानेंगे इस बात को, करेंगे इस बात को, प्लीज आप कोशिश करिए, जरूर करिए। राइट, अब थर्ड बात बात कर लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों को कि सेकेंडरी की क्लासेस आगे कब स्टार्ट की जाएंगी। सेकेंडरी की क्लासेस की बात करें तो अभी अभी इतने जल्दी नहीं कर सकते, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, थोड़ा सा बातचीत हो जाए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आराम से सेकेंडरी क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बने हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार डे वन से वन बाई वन करके क्लास लगभग 3 महीने तक 90 दिन का प्रॉपर क्लास चले ताकि और बेहतर परफॉर्मेंस हो आपका सेकेंड ईयर में। तो थोड़ा सा रुक के सेकेंड ईयर के स्टार्ट किया जाएगा, फिलहाल फर्स्ट ईयर के बच्चे जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अच्छा जो मैंने रिक्वेस्ट करी सके, ऐसा नहीं केवल सेकेंड ईयर वालों के लिए करी थी, वो मैं फर्स्ट ईयर वालों को भी कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ईयर वाले भी हैं, आप भी इस चीज को अपने लाइफ में फॉलो करें, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चों को और भी पढ़ना होता है, या सीटेट पढ़ना होता है, या फिर किसी और कोर्स के बारे में, तो थोड़ा सा ये कम समय दे सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर तो प्रॉपरली दे सकते हैं, लेकिन जिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को दे सकते हैं वो ये जरूर काम करें। तो बस यही चर्चा करनी थी, बस यही डिस्कशन करना था मुझे, आप सबसे बात करनी थी। मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली जो मैंने लास्ट रिक्वेस्ट करी है, 15 डेज जो चैलेंज है, जो आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप उसको फॉलो करेंगे। भतीजा भतीजी किसी को उठा लो यार, बैठा के अपना लगे रहना। राइट, तो बस दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बाकी आपकी जो भी राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट है, कमेंट में बताना ना भूले, क्योंकि मुझे कमेंट में ऐसा लगता है कि हाँ आप भी मुझे बोल पा रहे हैं, आप भी मुझसे बात कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट पढ़ के बड़ी प्रसन्नता होती है। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और अगर कोई ऐसा साथी है जिसके लिए मेरा वीडियो फायदेमंद हो उस तक पहुंचा दीजिएगा। अनावश्यक शेयर करने का क्या मतलब, अगर कोई बीएड कर रहा है जुड़ा हुआ है तो उस तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उसका भी भला हो सके, कर भला तो हो भला। बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विद्यार्थी बने रहिए और बच्चों को पढ़ाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।